जिस दिन जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ दीपिका पादुकोण नशा करके खड़ी थी, गांजा पी करके जेएनयू के लोगों के साथ खड़ी थी, सीएए के विरोध के आंदोलन में मेरे लिए डिकोड दीपिका उसी दिन हो गई थी। आप वो वीडियो देखिए जेएनयू वाला, नशे में झूमते हुए लगती है आपको। और कोई फिल्म स्टार जो नशेरी गजेरी ना हो वो टुकड़े टुकड़े गैंग का सपोर्ट कर ही नहीं सकता। तो दीपिका पादुकोण उसी दिन डिकोड हो गई थी, नंबर एक। नंबर दो, दीपिका पादुकोण ही नहीं, अब तो करिश्मा कपूर का भी नाम आ गया है, अब तो सारा अली खान का नाम आ गया है, अब तो श्रद्धा कपूर और वो अनिल कपूर की बेटी क्या है नाम, सोनम कपूर, जिसका दाऊद अंकल बोलती है दाऊद इब्राहिम को, उसका नाम डिकोड हो गया है। इन्हीं लोगों के लिए ड्रग आ रहा था पाकिस्तान से, जो अभी अभी पुणे में पकड़ा गया है। दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान ने फिल्म उद्योग के पूरे गैंग पे कब्जा किया हुआ था, इसीलिए फिल्म में आपने देखा होगा कि भारत विरोधी फिल्में बनती हैं। जितनी इस गैंग की फिल्में बनती है उसमें कोई ना कोई एक हिंदू कलाकार ऐसा रखा जाता है जिसकी बेइज्जती की जाती है, उसे नीचा दिखाया जाता है, एक मुस्लिम कलाकार ऐसा रखा जाता है जिसे बहुत अच्छा दिखाया जाता है। ये पाकिस्तान की नीति थी जो फिल्म उद्योग जिसको लागू करता था। पाकिस्तान अपने एजेंडा को ये ऐसे ऐसे देशद्रोही फिल्म के लोगों के द्वारा भारत में लागू करवाता था। ये लोग वास्तव में हिंदू विरोधी एजेंडा और पाकिस्तान का एजेंडा भारत में चलाते थे, वो डिकोड हो गया है। दीपिका का डिकोड होना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जो चीज़ मुख्य रूप से डिकोड हुई है कि इन लोगों की देश विरोधी बातें डिकोड हुई है। अभी शाम में एनसीबी दीपिका पादुकोण को समन जारी करने वाली है। रिया चक्रवर्ती जब अंदर गई थी 25 का नाम बता के गई थी, दीपिका पादुकोण अंदर जाएगी 25 का नाम ये बताएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत से फिल्म कलाकार बीमारी के नाम पे, इलाज कराने के नाम पे दुबई कुवैत भाग रहे हैं। अब बताइए, अरब देश के लोग इलाज कराने भारत में आते हैं, यहीं दिल्ली नोएडा में जेपी हॉस्पिटल में सऊदी प्रिंस आया था इलाज कराने के लिए, और हमारे यहाँ के देश विरोधी तत्व दुबई जाते हैं इलाज कराने के लिए। इसका मतलब ये समझिए कि वो देश से भागने का बहाना ढूंढ रहे हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरह भारत से भाग जाएं, क्योंकि उनकी देश विरोधी गतिविधियाँ अब उजागर हो गई है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करूँगा कि ऐसे ऐसे सभी कलाकारों का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए जिससे कि ये देश से ना भाग पाए। लेकिन सर, आपको क्या लगता है कि जो तख्ती गैंग हर बारी निकल के डिफेंस में खड़ी हो जाती थी इन लोगों के, अब वो कहाँ है, अब वो क्यों चुप है? देखिए, जया बच्चन ने बयान दिया था कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जया जी, जिस थाली में गाजा हो, चरस हो, हीरोइन हो, भांग हो, नशा हो, उस थाली में तो छेद कर देना ही चाहिए। और जहाँ तक आपने बात करी तख्ती गैंग का, अवार्ड वापसी गैंग का, फर्जी सेकुलर गैंग का, यह गैंग देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहा है। यदि देश के पक्ष में आप कोई बात कीजिएगा तो ये गैंग कभी नहीं आएगा। उसी गैंग के सरगना थे अनुराग कश्यप जी, जिन्होंने ब्लैकमेलिंग करके मुलायम सरकार में अखिलेश सिंह यादव से 50 करोड़ रुपया मांग रहे थे, ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। अनुराग कश्यप ने, पायल घोष ने बताइए कि अनुराग कश्यप मेरे से बलात्कार करने की कोशिश किया और उसने चार नाम बताया, हुमा कुरैशी का नाम है, दो तीन और नाम है, कि उस सब से तो वो सब तो आके मेरे पास सोती है। अर्थात ये डायरेक्टर, ये प्रोड्यूसर लड़कियों का किस तरह से शोषण करते हैं फिल्म में रोल देने के नाम पे, या तो अब जग जाहिर हो गया है। पायल घोष कल गई थी FIR दर्ज कराने के लिए, लेकिन उसका FIR नहीं लिया। कीजिए, अब समझिए, रिया चक्रवर्ती जब वही बांद्रा पुलिस थाने जाती है तो रेड कार्पेट बिछा दिया जाता है, पुलिस थाने को बंद कर करके इसे VVIP ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसकी FIR एक मिनट में दर्ज हो जाती है। यही पायल घोष, बंगाल की बेटी, जब गई FIR कराने के लिए इसे भगा दिया गया, आज रात में फिर जाएगी FIR कराने के लिए और उसका VFIR दर्ज होगा। और यदि उसका FIR दर्ज नहीं होगा तो CBI अपने केस में उसके FIR को दर्ज करेगी। और ये जितने हैं अनुराग कश्यप टाइप के गैंगवाज लोग, ग्रुप वाइज लोग, जो लड़कियों का शोषण करते हैं, दो दो मिनट का रोल देने के लिए अपने साथ सोने पे मजबूर करते हैं, उस सब का चरित्र उजागर होगा और सब जेल के अंदर जाएंगे। अब वो असल में ये लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, मैं आपको बताऊं, ये स्टार जिसको आप बोलते हैं, जिसको हमारे युवा फॉलो करते हैं, जो 10वीं 11वीं पास होते हैं, उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि देश में क्या हो रहा है। इन लोगों को 2014 के बाद सोच लेना चाहिए था कि अब राष्ट्रवादी सरकारें आ गई है, अब हमारी पोल पट्टी खुलेगी, हम जेल के अंदर जाएंगे, इनको पहले ही सुधर जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि यह नहीं सुधर पाए, इसलिए देश की जनता, यह देश की सरकार इनको अब सुधार देगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अनुराग कश्यप पे पायल घोष
उसने आरोप लगाए हैं 200 से ज़्यादा लड़कियों के बारे में, बताया कि 200 से ज़्यादा लड़कियों के साथ ऐसा कर चुके हैं। क्या लगता है कि किस तरीके से बॉलीवुड के एक काला सच सामने आ रहा है? ये आरोप 100% सत्य है। पहले ऐसी बातें सुनी सुनाई जाती थी, अब तो लोग खुल के बोल रहे हैं। यह फिल्म उद्योग के लिए कहा ही नहीं जाता है कि आपको एक मिनट के रोल के लिए भी मर्दों के साथ सोना पड़ेगा। फिल्म के डायरेक्टर के साथ, फिल्म के फाइनेंसर के साथ, फिल्म के प्रोड्यूसर के साथ आपको सोना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। वहाँ पे स्क्रीन टेस्ट के नाम पे स्किन टेस्ट होता है। यह बातें पहले भी शिल्पा शेट्टी आरोप लगा चुकी है। इसलिए इन लोगों का यह हमेशा रहा है कि यौन शोषण करते हैं नई लड़कियों का। कोई ऐसी 99% लड़कियां जो फिल्म उद्योग में काम करती है उसका यौन शोषण होता है, और वो चुप इसलिए रहती है कि इस गैंग का फिल्म उद्योग पर कब्जा है। यदि इस गैंग का बात आप नहीं मानिएगा तो आपको फिल्म में काम करने नहीं दिया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत इस गैंग में शामिल नहीं हुआ, सुशांत सिंह की दशा क्या हो गई आपके सामने है। गोविंदा ने बोला है, जो बहुत बड़े कलाकार थे, कि मैं इस गैंग का बात नहीं माना, मेरे फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया, मेरे कैरियर को और समय इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, बेमौत मेरे कैरियर को चौपट कर दिया। तो ये लोग आपको विभिन्न ढंग से तंग करते हैं। यह गैंग फिल्म उद्योग पर कब्जा किया हुआ है, बाकी को यह बाहरी समझता है। इसकी इच्छा हो आपको रोल दे, इसकी इच्छा हो, बिना इच्छा के आप रोल नहीं कर सकते हैं। तो इस गैंग का पर्दाफाश करना जरूरी था, जो कि NCP के माध्यम से, CBI के माध्यम से धीरे धीरे पर्दाफाश हो रही है। और आप उम्मीद रखिए कि यह गैंग का पूरा सत्यानाश हो जाएगा और फिल्म उद्योग फिर से पवित्र हो जाएगा। जहां थाली खीर की होगी वहां थाली गाजा की नहीं होगी। जया बच्चन की थाली गाजा की है, हीरोइन की है, चरस की है, लेकिन इसके बाद जब यह फिल्म उद्योग साफ हो जाएगा तो वो थाली मिठाई की होगी, खीर की होगी, खाने की होगी, जिसे सब स्वाद लेकर के खाएंगे।